पेरिस ओलंपिक से एक बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। आज एक्शन में थे नीरज चोपड़ा, जो कि आज क्वालिफिकेशन मैच में खेले, और जेवलिन थ्रो का क्वालिफिकेशन मैच आज खेला गया, जहां पर किशोर जैना ने पहले ही क्वालिफाई कर लिया है फाइनल के लिए। अब इसके बाद सभी की नज़रें नीरज चोपड़ा पर थी। नीरज चोपड़ा, जिनसे एक बार फिर गोल्ड की उम्मीदें होंगी, उन्होंने आज किस तरीके का प्रदर्शन किया हम आपको इस पूरे वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि नीरज चोपड़ा ने आज क्वालिफिकेशन में ही पहले ही थ्रो पर सीजन का सबसे बेस्ट थ्रो आज किया है, जो कि 89.34 का है। यानी नीरज चोपड़ा ने बता दिया है कि वो इस बार भी गोल्ड लेने के लिए आए हैं। हालांकि उनको इस बार टक्कर जरूर मिलने वाली है, जिसमें उनके साथ एंडरसन पीटर्स हैं, अरशद नदीम हैं, इसके अलावा यूलियन वेबर, याकूब वेदलिच, ये सभी खिलाड़ी हैं जो कि नीरज चोपड़ा को फाइनल में टक्कर जरूर देंगे। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो नीरज चोपड़ा ने जिस तरीके का कमाल किया है वो अपने आप में काबिले तारीफ बात है, और नीरज चोपड़ा इस बार भी गोल्ड के लिए लड़ते हुए नजर आएंगे। गोल्ड से नीचे उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा है। इस बात से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नीरज चोपड़ा ने पहले ही थ्रो में दिखा दिया कि किस तरीके का उनका इंटेंट रहने वाला है फाइनल में। अब नीरज चोपड़ा की अगर बात की जाए तो 90 मीटर का जो मार्क हम लोग मानते हैं कि जेवलिन में काफ़ी मुश्किल होता है, और उस मार्क को टच करते ही हम लोग अक्सर देखते हैं कि एक मेडल कंफर्म माना जाता है, या फिर वो एक ऐसा मार्क है जो कि एलीट प्लेयर्स के लिए रखा जाता है। तो नीरज चोपड़ा उससे भी आज चूक गए, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो फाइनल में नीरज चोपड़ा हो सकता है कि वो 90 मीटर का थ्रो भी करेंगे, और अब देखना होगा किस तरीके से फाइनल मुकाबला खेला जाता है। लेकिन फाइनल मुकाबले को लेकर हम आपको बता दें कि 8 तारीख को ये फाइनल मुकाबला होगा, और रात को शुरू होगा ये मैच, लगभग 12 बजे के अराउंड ये मैच शुरू होने की आशंका है। तो अब देखना होगा किस तरीके से यहाँ पर नीरज चोपड़ा प्रदर्शन करते हैं। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।